गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 10th of March 2023। कल यूएस जॉबलेस डेटा आया, जहां पे जॉबलेस नंबर्स थोड़ा सा ज्यादा आया अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड फिगर्स। आज एनएपी डेटा है, मार्केट इज वेटिंग फॉर द नंबर, एंड ऑल्सो 14th of March का सीपीआई डेटा। दिस टू डेटा विल डिटरमिन नेक्स्ट फेड मीटिंग में ऑन 22nd of March रेट एक्स कितना होने वाला है, क्वार्टर हाफ व्हाट सॉर्ट ऑफ फिगर। नंबर इज टोटली डाटा डिपेंडेंट ऑन टुडेज एनएपी डेटा एंड ट्यूजडेज सीपीआई डेटा। डॉलर इंडेक्स, कल का जो मॉर्निंग एनालिसिस था, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, लो के नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट्स, एंड हम यहाँ पे लो के नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट्स देख रहे हैं। अभी आपका ये जो करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 105.14, अभी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है, जो हालांकि अभी नहीं होने वाला होगा, तो आपका एनएपी डेटा के बाद ही होगा, जो भी होगा। इसके लो के नीचे अगर एनएपी डेटा के बाद क्लोज दे देता है, इन सच केस थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है इन डॉलर इंडेक्स। डॉलर रुपी अभी है 82.00, परसों 82.29 से नीचे आ चुका है, एंड कल आपका 81.77 लो से ऊपर देखा गया 82.00। ड्यूरिंग द डे यहाँ पे 82.05 भी चला गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट का डाटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो एज ऑफ नाउ डॉलर रुपी ऑन द लोअर साइड 81.50-60 सपोर्ट है, एंड ऊपर पे आपका 82.35-40 रेजिस्टेंस है। सो कुछ दिनों के लिए इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करना एक्सपेक्टेड है। जीबीपी डॉलर कल अच्छा खासा ऊपर आया है फ्रॉम द लो, नीचे का जो स्मॉल बॉडी कैंडल था उसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ, तो लेकिन नीचे की तरफ गया नहीं है, तो सेल ऑफ इतना देखा नहीं है, एंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन। दिस इज नॉट कि मार्केट अभी ऊपर जाने का चालू करेगा, नो, थोड़ा सा और कन्फर्मेशन चाहिए हमें, पॉसिबली दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन से कि अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। JPY INR पे भी अच्छा खासा काउंटर हो चुका है फ्रॉम द लो, एंड करेंटली इट इज 97.87। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पुल बैक ही इसको बोलेंगे, रिवर्सल नहीं बोलेंगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है। यूरो डॉलर अभी है आपका 1.0593, इसमें भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक आया है, जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यूरो आईएनआर पे भी अच्छा खासा पुल बैक आया है, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है, वी मे कंसीडर इट एज ए स्मॉल पुल बैक, नॉट चेंज इन ट्रेंड। डॉलर येन में अच्छा खासा सॉफ्टनेस देखा गया कल, एंड नाउ इट इज 136.05। सो यहाँ पे आपका एक, अगर हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, इसको अगर नीचे आना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, एंड उस लो आपका लो के नीचे जो कैंडल क्लोज देगा उसके लो के नीचे फॉर द नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन चाहिए। येन आईएनआर पे भी अच्छा खासा रिवर्सल आया है, लेकिन आपका ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देने के बाद ही हम थोड़ा बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। डॉलर कैंडल में अच्छा खासा उछाल देखा गया, ये आपका इमीडिएट 138.29 करेंटली है, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 139.75 से 1.40 की तरफ है। ऑसी डॉलर पे यहाँ पे कंसोलिडेशन मीन्स जो आपका लो मारा था 8 मार्च, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी पुल बैक में भी सोल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट, पॉसिबली आपका इस लेवल पे अगर एक प्राइस एक्शन मिल जाता है 0.6670 से 0.6700, वहाँ पे अगर कोई सेलिंग का कैंडल मिलता है तो वी कैन मीन्स लो रिस्क रिवार्ड पे सेलिंग हो सकता है। डॉलर CNA 6.96 आपका ये
सेवेंथ मार्च का लो के नीचे का इंतजार रहेगा, अगर इसको सॉफ्ट होना फर्दर सॉफ्ट होना है तो, यानी सीएनएच को स्ट्रांग होना है तो। यूके ऑयल 81.55 रेंज बाउंड 79-89 बड़ा रेंज है, तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है लेट इट टू मेक चॉपी मूव्स। यूएस 10 ट्रेजरी 3.87 अच्छा खासा कल नीचे आ गया है आफ्टर कल आपका ये आया था सपोर्ट लेवल पे, आज मॉर्निंग से ये नीचे की तरफ आ रहा है। आज का यूएस नॉन फार्म पेरोल टू इज गोइंग टू मेक और ब्रेक फॉर यूएस 10 ट्रेजरी। एज ऑफ नाउ ये प्राइस एक्शन से लग रहा है कि सॉफ्ट होना चाहिए आपका और नीचे की तरफ आना चाहिए, बट दिन जस्ट शुरुआत हो रहा है। पूरा का पूरा एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, देन अमेरिकन मार्केट, ऑल मार्केट्स आर बाकी है प्राइस एक्शंस के लिए। एनएफपी डेटा की बाद अगर कुछ सरप्राइजेस ना हो तो लगता है कि ये नीचे की तरफ और सॉफ्ट हो ना चाहिए। थैंक यू, अभी के लिए ये कैनसी एनालिसिस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।